सत्तरवां संविधान दिवस या संविधान का हैप्पी बर्थडे या संविधान का बर्थडे या संविधान का उत्सव संविधानों उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 नवंबर 2019 को ये 70 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक 70 साल पहले 1949 में इसको अंगीकार किया, इसको एडॉप्ट किया, इसको माना गया कि अब भारत जो चलेगा वो जो संविधान नाम की एक किताब है उसके अनुसार चलेगा, बाकी जितने भी विधान या विषम विधान हैं वो सारे के सारे आज से अमान्य हो जाएंगे। 26 नवंबर को ये पूरे देश में 26 अडॉप्ट हुआ और 26 जनवरी को लागू हो गया। अडॉप्ट होने के बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने बाद ये पूरे देश में लागू हुआ। इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं यानी पब्लिक का दिन, पब्लिक का सिस्टम, जो लोगों का सिस्टम है, गण का तंत्र है, गण का सिस्टम। और 26 नवंबर को हम मनाते हैं संविधान का जन्मदिन, संविधान का अंगीकार दिन, संविधान का एडॉप्टेशन दिन। जितने भी दुनिया के अंदर राष्ट्र हैं, देश हैं, उन सभी देशों में जहां भी संविधान लागू हैं उन संविधानों का एक दिन पूरा देश की जनता बहुत धूमधाम से मनाती है, राष्ट्रीय उत्सव होता है और राष्ट्रीय छुट्टी भी होती है। भारत के लोगों ने कभी भी अपने इस उत्सव की राष्ट्रीय छुट्टी नहीं मांगी, इसलिए भारत सरकार ने कभी भी इसको राष्ट्रीय उत्सव या राष्ट्रीय छुट्टी का दिन घोषित नहीं किया। जब तक लोग मांगेंगे नहीं तब तक सरकार इसकी छुट्टी घोषित नहीं करेगी। वैसे तो ये राष्ट्र का उत्सव है, सरकार को खुद ही 15 अगस्त और 26 जनवरी की तरह इसको घोषित करना चाहिए। पिछले कुछ सालों से जो संविधान के जानकार लोग हैं और जो भारत के देशभक्त लोग हैं, जो देश में आस्था रखते हैं और जो देशभक्ति की परम सीमा को पार करते हैं, भारत के जो मूल निवासी हैं, देशभक्त मूल निवासी, उन सभी ने अपने अपने स्तर पर इसको मनाते हैं। कुछ लोग संगोष्ठी करते हैं, कुछ लोग अपने घरों में दिए या मोमबत्ती जलाते हैं, कुछ मिठाइयाँ बांटते हैं, कुछ जो सार्वजनिक स्थान है वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, कुछ एक दूसरे के यहाँ आते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ सालों से जो इंडिया गेट है वहाँ पर लोग अपना खाना बना के लाते हैं और पिकनिक के रूप में अपने परिवार के साथ में वहाँ एंजॉय करते हैं। पिकनिक स्थल सभी के लिए होता है, सार्वजनिक है, वहाँ आप अपनी गाड़ी खड़ी करें या मेट्रो से आएँ, अपना खाना बना के लाएँ, अपनी दरी चादर बिछाएँ और वहाँ पर पूरा एंजॉय लें। काफ़ी लोग जगह जगह गुट बनाकर, ग्रुप बनाकर वहाँ इसको एंजॉय करते हैं। दिल्ली में इस तरह से मनाते हैं। बाकी जो लोग अपना अपना मनाते हैं, जो पर्सनल होता है, प्राइवेट होता है, कोई अपने प्राइवेट स्तर पर कोई संगोष्ठी करता है, कोई संगठन अपने प्राइवेट स्तर पर कहीं कोई मेला लगाता है, कोई संगठन अपने प्राइवेट स्तर पर कहीं कोई मीटिंग लगाता है, वो राष्ट्रीय स्तर में काउंट नहीं होते। हालांकि वो उत्सव मनाते हैं मगर राष्ट्रीय उत्सव का जो स्वरूप है वो नहीं आ पाता। राष्ट्रीय उत्सव जो होता है वह उत्सव होता है जिसमें किसी भी आदमी का कोई भी पेटेंट या कोई भी पर्सनल प्रॉपर्टी ना हो। जैसे 14 अप्रैल का जो उत्सव है पार्लियामेंट पर, संसद पर जो होता है, वो राष्ट्रीय उत्सव है क्योंकि उसमें सभी सामूहिक होते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति एक संस्था का कोई लेना देना नहीं होता, सभी व्यक्ति और सभी संस्था उसमें आते हैं। यहाँ जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये पिछले कुछ सालों की फुटेज हैं, कुछ झलकियाँ हैं और कुछ पोस्ट हैं जो लगातार लोगों ने की और जो लोगों ने कार्यक्रम की। पिछले साल लगभग 10,000 से भी ज़्यादा पूरे देश में कार्यक्रम लगे, सभी भाषाओं में लगे, मगर अफसोस की बात यह है कि जो कार्यक्रम लगाने वाले और जो करने वाले लोग थे वो सभी बहुत ज़्यादा दबे कुचले, पिछड़े या अल्पसंख्यक तरह के लोग रहे। जो लोग संपन्न हैं, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा शिक्षित मानते हैं या अग्रणी मानते हैं, उन लोगों ने संविधान उत्सव मनाने का या संविधान के जन्म का हैप्पी बर्थडे मनाने का कोई भी जिक्र तक कहीं नहीं किया। इससे ये सिद्ध होता है कि संविधान जो देशभक्ति का पैमाना है वो नीचे के लोगों में यानी गरीब लोगों में, दलित लोगों में, वो नीचे के लोगों में, दबे कुचले लोगों में, गरीब लोगों में हैं। जो उच्च लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उन्हें देश से और देश के संविधान से कोई लेना देना दिखाई नहीं देता, इसलिए 26 नवंबर को वहाँ कोई हलचल नहीं होती। अगर आप देशभक्त हैं, अगर आप देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा है, आप देश की संतान हैं, तो आप 26 नवंबर को इस उत्सव को धूमधाम से मनाइए। जो आपकी क्षमता है, जैसे आप मोमबत्ती जलाइए,
लोगों को मिठाई खिलाइए, खीर खिलाइए, एक दूसरे के यहाँ आइए जाइए। अगर आप कहीं सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठे होते हैं तो वहाँ मिलकर गाइए, नाचिए, मेला लगाइए, कूदिए या संविधान की व्याख्या कीजिए, संविधान को पढ़ाइए, संविधान की किताब को लोगों को रूबरू कराइए, कुछ गिफ्ट में संविधान बांटिए, संविधान लीजिए, बच्चों को संविधान के बारे में बताइए, संविधान कैसे बना, संविधान की उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि संविधान और विसंविधान में अंतर होता है। सबसे पहले ये जान लें कि संविधान का मतलब क्या होता है। संविधान का मतलब होता है संविधान, यानी कि अगर संविधान में से सम निकाल दें तो खाली विधान बचेगा, और विधान में से न निकाल दें तो विधा बचेगा, और विधा में से वी निकाल दें तो धा बनेगा। धा का जो शब्द है इसका अर्थ है पाली के अंदर धारण करना, और अगर वी लगा देते हैं तो इसका मतलब विधा हो गया। विधा का मतलब हो गया तौर तरीका या प्रकार या किस तरह से चीज को करना है या उसकी युक्ति, उसको विधा बोलते हैं या विधि बोलते हैं। और अगर इसमें न लगा देते हैं तो विधान, फिर ये आज्ञावाचक हो जाता है कि जो तौर तरीका या विधि, जिस प्रकार ढंग जो भी आपको बताया गया है वो आपको लाजमी करना ही है, हर हालत में करना है, कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है, आपको करना है, तब इस विधा से विधान बन जाता है। और अगर सम लगा देते हैं तो सम का मतलब है बराबर, यानी देश के जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे इन नियमों के लिए बराबर हैं, उन सबको ये नियम मानने पड़ेंगे, इसमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि देश की जितनी संपत्ति है वो सब बराबर में हिस्सेदारी है। जितना पानी है वो सब लोगों को बराबर मिलेगा, जो हवा है वो सबको बराबर मिलेगी, पढ़ने का अधिकार सबको बराबर मिलेगा। कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी पैसे दे के ज़्यादा पढ़े या कोई आदमी गरीब है तो उसे पढ़ने का अधिकार ना रहे। खाना सबको बराबर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी यानी मौका सबको आगे बढ़ने का बराबर मिलेगा। डॉक्टर की जो सेवाएं हैं, जो अस्पताल हैं, वो सबको बराबर मिलेंगी। जो मकान है रहने के लिए, घर हैं, वो सबको बराबर मिलेंगे। देश की ईंट, जमीन, मिट्टी, गारा, सीमेंट, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, जितने भी ऑफिस हैं, उन सब में बराबर का अधिकार है। विसंविधान क्या होता है? विसंविधान में बराबर का अधिकार नहीं होता, वहाँ लोगों को बराबर की भागीदारी नहीं होती। विसंविधान में एक प्राइवेट आदमी अगर एक ऑफिस खोलता है तो उसकी मर्जी है कि वो आपको रखे या ना रखे, उसकी मर्जी है कि वो आपका काम करे ना करे, उसकी मर्जी है कि वो आपके अंदर प्रवेश करने दे या ना दे। जैसे एक होटल था जो सरकारी होटल था, उसमें से जब उसको प्राइवेट करके बेचा गया, फिर वहाँ गार्ड खड़े हो गए और हर एक आदमी की एंट्री नहीं हुई। बेशक आपके पास पैसे हैं मगर आप उसमें जा नहीं सकते क्योंकि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट आदमी अगर चाहेगा तो आपको अलाउ करेगा, अगर प्राइवेट आदमी मना कर देगा तो आप उसमें एंटर नहीं कर सकते क्योंकि अब वो देश की प्रॉपर्टी नहीं रही। इसी तरह से जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के बस हैं या रेल हैं या हवाई जहाज हैं, जो प्राइवेट हो जाते हैं उसमें प्राइवेट जो प्रॉपर्टी का मालिक होता है उनका अधिकार सुरक्षित हो जाता है, जबकि जो सार्वजनिक और सार्वजनिक होते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती हैं, जो देश की प्रॉपर्टी होती हैं, जो सरकार की प्रॉपर्टी होती हैं, उसमें सरकार का हर आदमी, भारत का हर नागरिक बहुत मजे से आ जा सकता है। उसमें सभी शुल्क एक जैसे होते हैं, सभी जितने भी सिटीजन होते हैं, नागरिक होते हैं, उन सबको एक सा पैसा देना पड़ता है। मगर अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी है या प्राइवेट जहाज है या प्राइवेट बस है या प्राइवेट कार है, तो उसमें उसकी मर्जी है कि वो आपसे पैसे कभी ज़्यादा ले या कभी कम ले, वो उसका अपना अधिकार है। इसलिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होते ही विषम संविधान लागू हो जाता है, यानी विषम विधान लागू हो जाता है, और विषम विधान देश में अराजकता पैदा करता है, देश के लोगों को मायूस करता है। विषम विधान से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ता। प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट मालिक कभी भी देश को आगे नहीं बढ़ाते, उनके लिए देश बाद में होता है, पहले उन्हें अपना प्रॉफिट होता है। जिस प्रॉफिट के लिए वो उसके मालिक बनते हैं, सबसे पहले वो उस प्रॉफिट को कमाते हैं। इसलिए संविधान को पढ़ाना, संविधान को बढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना है, देशभक्ति का सबसे बड़ा जज्बा है। इस फेस्टिवल को मनाइए, धूमधाम से मनाइए। आप सभी को 70वें संविधान उत्सव, संविधान के उत्सव की, फेस्टिवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।